हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्पैरो ट्रक ड्राइवर में आपका स्वागत है। आज हम अपने उस्ताद से पूछेंगे कि धुंध में या कोहरे में गाड़ी कैसे चलाना चाहिए। हाँ उस्ताद जी, आप बताओ मेरे को, कोहरे में गाड़ी कैसे चलाते हैं? कोहरे में गाड़ी ऐसे चलाते हैं कि हाँ भाई, सभी भाइयों को बताया जाता है कि ये मेरे चेले ने सवाल पूछा कि धुंध में गाड़ी कैसे चलाएं। ठीक है, धुंध में गाड़ी का दो तीन तरीके होते हैं कि एक तो डिपर के अंदर चलो, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, डिपर में चलो। ठीक, और चिट्टी पट्टी का सड़क के ऊपर जो चिट्टी पट्टी बनी होती है उस पे ध्यान रखो, और साथ में आगे पीछे भी ध्यान रखो। ठीक, कई बंदे तो सिर्फ चिट्टी पट्टी को ही देखते रह जाते हैं और आगे गाड़ी में गाड़ी ठोक देते हैं, ऐसा काम नहीं करना। गाड़ी लोड हो तो उसको डाउन गियर में चलाओ, कभी भी टॉप गियर ना लगाओ, क्योंकि आप टॉप गियर में लगा के दौड़ाते हो फिर गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती। ऐसी बातें सभी ध्यान में रखनी चाहिए गाड़ी वालों को, एक्सीडेंट से बच जाता है बंदा अगर कंट्रोल में गाड़ी चलाए, ध्यान में चलाए। ऐसे तो सफ़र तो निबड़ता ही नहीं है, गाड़ी लोड होगी तो हमें जल्दी हो जाती है कि हम खाली कर लें, भगाते हैं। इसीलिए भगाना नहीं गाड़ी को, कोहरे के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं। जितना आराम से चलोगे उतने ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, और पीली लाइट जरूर लगा के रखो, सामने वाली की जो गाड़ी आ रही है उसको आपकी गाड़ी दिस जाएगी, क्योंकि पीली लाइट धुंध के अंदर चीर के दिखाई दे देती है और आम लाइटें दिखाई नहीं देती। कोहरे के अंदर जितना कंट्रोल से चलोगे उतना सही है। चिट्टी पट्टी को जरूर देखो, चिट्टी पट्टी नहीं देखी तो काम उल्ट हो जाता है, आदमी रॉन्ग साइड भी चला जा सकता है। ठीक है, किनारी देखना, चिट्टी पट्टी देखना, और आगे पीछे का सारा ध्यान रखना, कोई आपको पीछे आके ना ठोक दे, ये भी ध्यान रखना। ब्रेक लाइट जरूर चालू रखो, कहीं ब्रेक लगाए तो ब्रेक बत्ती जगनी चाहिए, सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आगे गाड़ी रुक गई है। पीछे वाले आदमी को पता कैसे चलेगा अगर आपकी पार्किंग लाइट नहीं चल रही, ब्रेक लाइट नहीं चल रही, ये भी चीज़ें सारी ध्यान में रख के चलना चाहिए। कोहरे के अंदर अपनी गाड़ी को पूरा रिपेयर करा के एंड वेपर ब्लेड चलता रहना चाहिए, क्योंकि वेपर फेर के ही हम शीशा साफ कर सकते हैं, नहीं तो कोहरा जमने लग जाता है शीशे के ऊपर। इसीलिए वेपर मशीन अपनी ब्लेड दोनों कंप्लीट तैयार रखो, हो सके तो पानी वाली जो टंकी लगाई होती है कंपनी ने उसे भी चालू रखो, उसकी मोटर को खराब मत होने दो। इतनी बातें ध्यान में रखते हुए चलो तो जिंदगी सुरक्षित जियोगे। ठीक, इंडिकेटर, चारों इंडिकेटर लगा के रखो ताकि सामने वाले को पता चले कि गाड़ी आ रही है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है।